हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज़ रोहित गर्चा, दिस इज़ अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video, jahan pe main aapko detail mein bataunga ki what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. National Framework for Climate Services. आइए बच्चे शुरू करते हैं इसको। थोड़ा सा एक चीज समझते हैं इससे पहले, इसका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा आपको एक छोटी सी बात से। हाउ डू वी नो सनस्पॉट्स का जो साइकिल है वो 11 ईयर्स है। सनस्पॉट्स का साइकिल है ना एक 11 साल, तो 11 साल बाद सनस्पॉट्स चेंज होते हैं, रीअपियर होते हैं, डिसअपियर होते हैं, तो हमें कैसे पता? एटलीस्ट 22 साल की ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पास, और हम इतनी श्योरली क्यों बोल रहे हैं? तो यानी कि 22 साल से बहुत ज्यादा की हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, राइट? सो जब आपके पास किसी चीज की लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी एक्यूरेट होती जाती है। तो ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो मेरे को समझ में आया वो यही था कि ये आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी को उसकी एक्यूरेसी पे काम करने के लिए ये सारा डेटाबेस, जितनी भी आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसको एक फ्रेम के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, विच इज कॉल्ड आपका NFCS। ठीक है बच्चे, मेकिंग सेंस? हेंस आपके 25 जो डॉपलर रडार्स एस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं वो, राइट? हैंस आपकी अभी क्या पता राइट नाउ प्रॉब्लम क्या चल रही है इसमें IMD के अंदर, जो उनकी मेन प्रॉब्लम है, हिमालय का डाटा और आपके ओशंस का डाटा ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। मैं आपको अगर बहुत आसान भाषा में बताऊं, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट किन का है? ओशंस और आपके हिमालयस का। एक तरफ आप लोग प्रेडिक्शन देना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर को, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, लेकिन आपके पास डेटा नहीं है, और हिमालय का और ओशंस का डाटा ना होने का कारण भी है हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई है, तो अब से हम उसका डेटाबेस को सेंट्रलाइज कर रहे हैं ताकि हमारे पास लगभग 100 साल का डाटा इकट्ठा हो जाए, और उसके बाद में वी कुड इजीली AI को भी अगर आप देना चाह रहे हो तो आप फीड करोगे ना डेटा, वो मिसिंग है ना। आइए बच्चे अब देखते हैं कि ये क्या चीज है। इट ये फर्स्ट पॉइंट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम GFCS ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। ये इंटरनेशनली काम करती है, सेम ही काम है उसका, एग्जैक्टली यही काम है, डेटा की सेंट्रलाइजेशन। NFCS की नोडल एजेंसी IMD के ऊपर शॉर्ट नोट्स कर चुके हैं हम, इस बार हम रिपीट नहीं करेंगे। एम्स टू प्रोवाइड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू वेरियस सेक्टर्स। अब देखिए सेक्टर्स कौन कौन से, क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन किस किस को चाहिए हो सकती है? एग्रीकल्चर, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ। हमने हेल्थ के ऊपर सवाल किया था जिसमें हमने आई थिंक कैटास्ट्रॉफी और हेल्थ को आई थिंक लिंक किया था, आई एम फॉरगेटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस और क्लाइमेट चेंज के पैटर्न को, है ना? हाँ, लिंक किया था। सो सी, ये वही चीज हो रही है यहाँ पे बाय द वे। हेल्थ एंड वाटर to help them make informed decisions and mitigate climate risks. ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ये? सिंपल इनफ। जैसे ना इट इज सेड कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं ना, ये मेरे को किसी ने बात कही थी कि वो क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते ही हैं, वो आसमान को देख के बता देते हैं कि बारिश हो रही है नहीं। असम में अगर आप जाओगे तो इनएविटेबली लोग छाता कैरी करके ही घूमते हैं, मेघालय में
कड़कती धूप है, आपको नहीं पता दो घंटे में वहाँ पे ऐसी बारिश हो जाएगी, और उसके बाद एक घंटे बारिश होगी और उसके बाद में फिर से धूप निकल आएगी. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम. हाउएवर बाकी कंट्री का ऐसा नहीं है, राइट. एंड इफ यू टॉक अबाउट डेवलप्ड नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे उनको मैसेज अलर्ट्स आते हैं कि आज जो है 2 बजे बारिश होएगी, कैरी एन अम्ब्रेला. सुबह आ गया मैसेज आपको जब लोग घर से काम, और 2 बजे एक्चुअली बारिश हो जाती है, राइट. तो इस तरीके से आपको एफिशिएंटली आप मैनेज करते हो पॉपुलेशन को, अपने रिसोर्सेज को. ये तो पॉपुलेशन लेवल पे हो गया. नाउ इमेजिन कि आप ट्रांसपोर्ट में हो, जो इनका काम भी है अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आपका ट्रांसपोर्ट का कुछ सीन है ना, और ऊपर किन्नौर वाली साइड पे हैवी रेनफॉल की उसने प्रिडिक्शन दे दी, तो आप अपनी जर्नी ऐसे ट्रेवल करोगे कि मैं उस समय वहाँ से ना निकलूँ या उससे पहले निकल जाऊँ. बट विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा ये, राइट. सो दिस इज द मोटिव बिहाइंड इट, कि सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन तक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पहुंचे. ठीक है बच्चे, आइए बच्चे आगे देखते हैं. GFCS वो बोल रहा है क्या चीज है, इट फोकसेस ऑन जनरेटिंग हाई क्वालिटी क्लाइमेट डेटा. हाई क्वालिटी डेटा आएगा तो आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी हाई रहेगी, एज सिंपल एज दैट. एंड इन्फॉर्मेशन विद प्रायोरिटी सेक्टर्स, कौन कौन से, वही जो हमने पहले बात करी है. ये लास्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट वन बचे यहाँ पे. द नीड फॉर NFCS arises फ्रॉम द गैप्स इन वेदर एंड क्लाइमेट डेटा अक्रॉस इंडिया, पर्टिकुलरली इन द हिमालयन regions एंड oceans. यहां पे ना एरो डाल के लिख लीजिए बच्चे आप, लैक ऑफ लॉन्ग टर्म डेटा, lack of long term, ब्रैकेट में लिख लो 100 years or more. जब हम डेटा की बात करते हैं क्लाइमेट के अंदर, दैट इज लॉन्ग टर्म, उसका 100 साल या ज्यादा. lack of long term, 100 years or more, climatological, CLIMATO logical. Due to inexistence of collection. Collection ही existent नहीं थी. ये हम अभी आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हो, कि थोड़ा सोचना इस बात को, कि आप मून साइकल्स है ना, और ये जो आपका कब फुल मून होगा, कब न्यू मून होगा, कब ग्रहण होगा, यू कैन प्रिडिक्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन एडवांस, क्योंकि वो डिकोड हो चुका है. और उसकी ऑब्जर्वेशन भी आपको पिछले हज़ारों साल से देखने को मिलती है, कि यार तारे सितारे और चांद, चंदा मामा, सूरज चाचू, एवरीबडी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, राइट. ये ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो उसकी प्रेडिक्शन की आप लेवल देखो कहां जा रहा है. कुंडली मुंडली बन जाती है आप लोगों की इस बेस पे, पैदा होती है आपको वो डिटेक्ट कर देते हैं कि ये क्या करेगा, है ना. राइट बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा है यहां पे. लास्ट पॉइंट के अंदर ये बच्चे जिसमें मैंडेट गिवन है, तो उसमें उन्होंने एक लाइन में बता दिया कि क्या इसका मैंडेट है, टू स्ट्रेंथन द ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क ऑन लैंड एंड द सीज, इंप्रूव द डेटा इनफ्लो एंड इवेंचुअली यूज इट टू रन वेदर एंड क्लाइमेट. अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ये जो आपका GFCS है, राइट, इसको हैविली यूज किया जाता है. दैट इज वाई वहां पर अब हंगर थोड़ा थोड़ा मिटिगेट होने लग गया है, बिकॉज दे प्रिडिक्ट कि कहां पर ड्रॉट होगा, राइट, कहाँ पे फेमिन की कंडीशन बनेगी, कहाँ पे फ्लडिंग की कंडीशन बनेगी, तो एग्रीकल्चर प्लान होने लग गया उस हिसाब से. तो ये सिस्टम काम करता है, राइट. कंट्रीज लाइक आपकी बुर्किना फासो और उसके आसपास जितनी भी कंट्रीज है, वहाँ पे ये एक्टिवली काम कर रहा है. मैडागास्कर, गिनिया. बस मुझे एक चीज बता दो, IMD किसकी सुपरविजन के अंदर काम करता है,
कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, तो फिर हम IMD पे कुछ नहीं लिखेंगे। और सिंपल है, नहीं नहीं ना, जो इस टाइप की चीजें इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड है, जो बनी नहीं है वो भी, वो हम चाह रहे हैं बन जाए। अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, लिख लो IMD, हेडिंग डालो IMD। हम जिस लैंड से बिलोंग करते हैं ना, ये लैंड जानी जाती है एक खरे सौदे के लिए, सच्चे सौदे के लिए, ये पूरी लैंड, ठीक है, आपकी इंडस से लेके गंगा के बीच में जितना एरिया पड़ता है, यहाँ पे सौदा खरा होना चाहिए ना, वो सुना है ना, सौदा खरा खरा, तो ये सौदा था हमारा कि आप मुझे वो बता दो, मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा। तो आपने मुझे वो नहीं बताया, तो IMD हेडिंग डाल लो। ये प्री स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखते हैं बच्चे, फॉर्मड इन 1875, बहुत पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, फॉर्मड इन 1875, इज अ डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ, इज अ डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इसकी एक सब हेडिंग बना लीजिए बच्चे, IMD एंड एग्रीकल्चर। IMD की एक अलग से ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को डेटा प्रोवाइड करती है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल मटेरियोलॉजी, मेट्रोलॉजी नहीं, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल, METEOROLOGY, वॉज सेटअप इन 1932। ये आपको, ये सारे प्री स्पेसिफिक बता रहा हूं बच्चे, मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, वो बाकी आप देख लेना एक बार। इसका सेकेंड पॉइंट, हेडक्वार्टर्स इन पुणे, जो IMD का आपका डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल मेटेरियोलॉजी है, इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, वैसे IMD का दिल्ली में है। 1932 बच्चे, हाँ जी, हिस्ट्री घूम रही है साथ साथ, 1932 सुनते ही दिमाग में, थोड़ा सोशल सेटअप देखो उस समय और क्या देश में हो रहा था, है ना, और अनरेस्ट का माहौल था, एक मेजर मूवमेंट का दौर चल रहा था, और एक तरफ ये हो रहा था, इसीलिए जब भी कोई ऐसे कोई मेजर हंगामा होता है कंट्री के अंदर, बाकी चीज़ें नहीं रुकती हैं, ऐसा ही होता है ना, सब डिपार्टमेंट का अलग से काम होता है, बाकी चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ, कंट्री हॉल्ट पे नहीं आती है। मतलब इसका काम सिर्फ आपको एडवर्स, समझिए, इसका काम सिर्फ आपको एडवर्स वेदर रिपोर्ट्स देना नहीं है कि मर गए लुट के बर्बाद हो जाओगे बच जाओ, नहीं, ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि इस साल में बारिश अच्छे होने वाली है, आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगा दो, इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ प्रिडिक्शन, ये आपके एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए प्रिडिक्शन भी देती है, प्रोटेक्ट का तो है ही है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट कैटास्ट्रॉफी वो तो है ही है, अदरवाइज इसका दूसरा काम भी है, कुछ चैनल्स भी चलाती है, आई थिंक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा समथिंग है ना, उस टाइप की चीज़ें, उस टाइप के इनिशिएटिव्स भी हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी, है ना, वो भी है। चलें आगे बच्चे, हाँ सब कुछ है, फीडबैक प्रोग्राम भी है इसका, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, सब कुछ है इसके अंदर, कंप्लीट एक। मुझे पता है आप लोग इसको क्या पढ़ोगे, ये वो नहीं है, इसको डाका बोलते हैं,
उनकी लैंग्वेज में जो उनकी प्रोनंसिएशन है मैं लिख ही देता हूँ इससे पहले. ठीक है ठीक है हाँ, इसलिए मेरे को थोड़ी देवनागरी स्क्रिप्ट बेटर लगती है. जो आप लिखना चाहते हैं वही मिलता है. अब यहाँ पे देखो दो बार लिख दिया मैंने अंग्रेजी में आपकी. हाँ ये ठीक है, उसमें वो बिंदी को थोड़ी सी इज्जत दे दो. हाँ अब ठीक है ठीक है. काम करते हैं आपके संडे को फोनेटिक्स की क्लास लगा देते हैं. लेट मी टीच यू हाउ टू से स्टफ, है ना. वैसे भी ये हमारे ह्यूमंस के ऊपर एक कर्स है ना कि 2.5 साल में हम बोलना सीख जाते हैं, फिर पूरी उम्र लग जाती है ये सीखने में बोलना क्या है. देन बुद्धा कम्स एंड बुद्धा टीचेस यू कि बोलना था ही नहीं, यू नो. फंसने वाली गेम है ये सारी, है ना. वो एक सिंगर है ना पंजाब में, कन्वर गरेवाल, उसका एक डायलॉग है वो बंदा फंसदा है. हाँ, आपको समझ में आएगा थोड़े टाइम बाद कि कैसे. कलेक्टिवली इग्नोर करते हैं इस आवाज को. आइए बच्चे देखियो, ये जो डिक्लेरेशन है ना, इसको बहुत केयरफुली समझना है हमने कि अभी COP 28 होने वाली है. एक चाय उसको फ्री मिलेगी जो मुझे उसकी लोकेशन बता देगा COP 28 कहाँ होगी. ठीक है, बच गए मेरे पैसे. तो 46 LDC लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर ये डिक्लेरेशन जो है वो साइन करी है. बाय द वे, जो ये डाका है, दिस इज द कैपिटल ऑफ सेनेगल. यहाँ पे सेनेगल है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. ठीक है जी, वेस्ट अफ्रीका में है. ये कौन सा ओशन है? ओशन तो बता दो यार ये वाला. हाँ बता दिया करो. ठीक है, तो यहाँ पे ये कंट्री है. LDCs ने मिलकर एक डिक्लेरेशन दी है COP 28 से जस्ट पहले. ठीक है जी, क्या होगा डिक्लेरेशन के अंदर आप सोच के देखो, बिना पढ़ना मत अभी. सोचो, लीज डेवलप्ड कंट्रीज ने एक डिक्लेरेशन दी है. बोल दिया उसने फाइनेंस. पूरी डिक्लेरेशन मैंने पढ़ी सारी, उन्होंने पिछली वाली कॉपी मार रखी थी, है ना, जो कि कहीं कहीं अच्छी अच्छी बातें, क्लाइमेट बचाना चाहिए, वो सब करना चाहिए. जो मेरे को काम की बात लगी वो मैंने आपके यहाँ पे भेज दी है, एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया है वहां से. ऑन क्लाइमेट फाइनेंस उन्होंने बहुत कुछ बोला है, एग्रीकल्चर पे भी बोला है, इधर भी बोला है, पर मुद्दा यही है कि वो बोल रहे हैं पैसा रिलीज करो. आपने जो हम में तुम में करार था, है ना, उसको आप रिलीज करो. पैसे को 100 बिलियन का वादा किया हुआ था 2025 तक, वो आपने पूरा नहीं किया, उसको पूरा करो. राइट, हाँ उसी की है, उसकी नहीं है यार. फिर 2 मिनट रुक जा, ये मेरे को एग्जैक्टली बता दे ताकि मैं क्लास में बोल सकूं. मेरी मेमोरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे तुम लोगों के सामने. है ना, मेरी मजबूरी भी समझो. आइए बच्चे इसको देखते हैं. द डाका डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर अर्जेंट ग्लोबल एमिशन रिडक्शन एज प्रिडिक्टेड, इंक्रीज क्लाइमेट फाइनेंस मजबूरी, अ स्ट्रॉन्ग आउटकम ऑपरेशनलाइजिंग द न्यू लॉस एंड डैमेज फंड. कि पॉल्यूटर कोई और है, डैमेज हम, जैसे पाकिस्तान ने बोला था ना कि हमको कंपनसेट करो, हमारे यहाँ तो इतनी इंडस्ट्रीज है भी नहीं, हमने तो क्लाइमेट चेंज, हमारी तो ग्रोथ भी नहीं हुई है, लेकिन वर्ल्ड में ग्रोथ हुई थी इसलिए हमारे यहाँ पे फ्लड्स आ गई, तो पैसा दे दो. ये एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है ये, बस वर्ड डिप्लोमेटिक होंगे उनके, पर मतलब उसका यही है, तुम्हारी वजह से हमारे घर में फ्लड आई है, राइट, तो हमें पैसा दो. तो ये उस एंगल पे है कुछ बात ये. पर इनकी बात में थोड़ा दम है. आइए ये जो आप थर्ड पॉइंट देखेंगे, LDCs अकाउंट फॉर मोर देन 14% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, अ ह्यूज नंबर दैट इज. दे ओनली अकाउंट फॉर अबाउट 1% ऑफ द एमिशंस. आपकी एमिशंस आपकी ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक्ड है. इन ऑर्डर फॉर योर इकोनॉमी टू ग्रो यू मस्ट प्रोड्यूस, कार्ल मार्क्स, मैन मस्ट प्रोड्यूस, आपको प्रोडक्शन करनी है, और प्रोडक्शन एक एनर्जी इंटेंसिव और रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस होता है. ठीक है जी,
तो क्योंकि एमिशंस नहीं है यानी कि ग्रोथ वहां पे नहीं है लेकिन पॉपुलेशन है, लेकिन इफेक्ट क्लाइमेट इफेक्ट नहीं देखता फिर कि इसने पोल्यूट नहीं किया था, इसको रहने देती हूँ मैं, पॉइजनस हवा हूँ, है ना, इसको छोड़ देते, नहीं, दैट अफेक्ट्स एवरीवन अलाइक। आइए बच्चे आगे चलते हैं। ऑन क्लाइमेट फाइनेंस इसका नोट देखिए आप एक बार, कंसर्न, ये नोट विद, ये उनको कमांड की जा रही है बाय द वे, डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि हम सारे ये बोल रहे हैं दैट यू शुड नोट विद सीरियस कंसर्न द एग्जिस्टिंग क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट इज नोट विद कंसर्न दैट क्लाइमेट फाइनेंस हैज प्रीडोमिनेंटली टेकन द फॉर्म ऑफ लोन्स, क्लाइमेट लोन्स की फॉर्म लेता जा रहा है, आप वो ये समझ में आया कि लोन मत दो, वापस मत मांगो पैसा, अब हमें ग्रांट्स दो, ये आगे देखिए आप, कॉल अपॉन डेवलप्ड कंट्रीज टू अर्जेंटली स्केल अप क्लाइमेट फाइनेंस एंड टू मेक अप फॉर द शॉर्टफॉल कॉज्ड बाय फेलियर टू डिलीवर यूएस $100 बिलियन। लास्ट पॉइंट ये एज इट इज है उनके वहां से उठाया हुआ, लास्ट पॉइंट देखिए, अर्ज द डेवलप्ड कंट्रीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, व्हाट डज इट मीन बाय इंक्लूडिंग बाय सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ ग्रांट्स, कि आप ठीक है लोन अगर देना चाह भी रहे हो, ग्रांट्स का शेयर ज्यादा होना चाहिए उसमें, राइट। तो जैसा पीयूष ने हाईलाइट किया था एग्जैक्टली वही बात है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कि फाइनेंस, इसकी अगर डिक्लेरेशन आएगी COP28 से, इन्होंने गुट बना लिया एक, है ना, लॉबिंग बोलते हैं इसको, विच इज अ लीगल थिंग टू डू, है ना, आपने गुट बना लिया और अपनी आप डिमांड को एज अ कलेक्टिव आप पुश करते हो, और ये कंट्रीज कर सकती हैं डिमांड्स पुश, व्हाई, इनके जो रिसोर्सेज हैं वो अनएक्सप्लॉइटेड है एज ऑफ नाउ, इनके पास में माइंस हैं, इनके पास में ऑयल है, राइट, जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, और जैसे जैसे आपको अब आगे आगे कौन से देखो क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह चाहिए, ये कंट्रीज फिर से इंपॉर्टेंट होती जाएंगी, राइट, इसलिए ऐसी डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलती है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, और सेनेगल, आइए बच्चे इसको देख लेते हैं, सेनेगल, सेनेगल इज अ नेम ऑफ अ रिवर बाय द वे, ठीक है, और यहां पे आपको ये गैम्बिया, ये भी एक रिवर का नाम है, इसको ऐसे ही बना लो आप इसमें, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है। नाउ सेनेगल रिवर एक्ट्स एज अ बॉर्डर बिटवीन सेनेगल एंड मॉरिटेनिया, ठीक है जी, लिख लो इसको एज इट इज, बना लो इसको फटाफट बना लो, ऑनलाइन बच्चे क्लियर दिख रहा है आपको ये, ठीक आ रहा है, क्योंकि मैप से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और इसको मैं लिख लेना आप यहां पे, सेनेगल रिवर इधर ही बॉर्डर बिटवीन ये दो कंट्रीज, हाँ जी, और गैम्बिया के बीच में गैम्बिया रिवर ही है, ये मेन रिवर है इसकी, ये भी आप साथ साथ मेंशन कर देना, और ये जो फेलिमे रिवर है, राइट, इट एक्ट्स एज अ बॉर्डर बिटवीन सेनेगल एंड माली आल्सो फॉर मोस्ट ऑफ इट्स डिस्टेंस, ये देख रहे हो, तो ये उनके बॉर्डर की तरह ही काम करता है ये,
और फेलिमे रिवर जो है ये एक पॉइंट पे आके मिलती है जहाँ पे तीन कंट्रीज मिल रही हैं। ये भी आपका एक सवाल बन सकता है कि फेलिमे रिवर आपकी सेनेगल में जाके कैसे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, वो जिस पॉइंट पे मिलती है, तीन कंट्रीज कौन सी हैं, दैट इज योर मॉरिटानिया, माली एंड सेनेगल। ये प्री के सवाल हैं आपके सारे, ये वन पर्टिकुलर थिंग इससे कुछ आ जाएगा। एफ ए एल ई एम ई, ठीक है जी, हो गया। बाय द वे दिस इज अ डिफरेंट कंट्री इन इटसेल्फ, ये वाली। हाँ, इसके साथ में इसका मैरीटाइम बॉर्डर लगता है। ये कैबो वर्डे ये बोला जाता है। ठीक है बच्चे, बना लिए इसको, ये भी लिख लेना, नियोकोलो कोबा नेशनल पार्क। आपसे कंट्री पूछी जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सारी अफ्रीकन कंट्रीज नहीं कवर कर सकते आप, वो सेलेक्ट होने के बाद वैसे ही आपको भेजेंगे वो। हाँ जी, क्या चीज यार, फिर मेरे से पूछ सर्च ही करना पड़ेगा मुझे भी। ये सारी चीज़ें ना नहीं नहीं ये प्री से पहले रिवाइज करनी ही पड़ती हैं, तो इनको एक जगह कहीं पे लिखना, लिख के और सारे निमोनिक्स। देर इज़ अ लिस्ट ऑफ 55 अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है बच्चे, चलें आगे। आ जाओ जी, सो अगले दो टॉपिक्स हमारे जीआई टैग्स के ऊपर हैं। बहुत टाइम बाद हमें ऐसे जीआई टैग्स वाले टॉपिक देखने को मिले हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है और उसको उस चीज से लेवल किया जा सकता है। यू कैन नॉट प्रोड्यूस बनारसी साड़ी इन लुधियाना, यू कैन वियर देम, है ना, तो तुम बना नहीं सकते हो, है ना। और आपकी पश्मीना शॉल्स, राइट, तिरुपति लड्डू, नाम नहीं रख सकते, तो बना के क्या करोगे, उसकी वैल्यू तो उसके नाम में है। अच्छा, तुम वहां चले गए कि तुम मशीन नहीं ला सकते और वो सब नहीं कर सकते। अच्छा मैं पीछे पीछे आ जाता हूँ मत जाना कहीं पे। जीआई टैग, ठीक है जी। और ये बाय द वे इट्स अ टाइप ऑफ चीज, और इसको वैसे वर्ल्ड का हार्डेस्ट चीज भी कहा जाता है ना, पर क्योंकि इसको किसी ने रिकोगनाइज नहीं किया ऐसे कि वर्ल्ड हार्डेस्ट चीज नाम की कोई चीज भी होती है, तो ये चीज ऐसी रहेगी। ठीक है जी, आइए बच्चे। तो चुरपी चीज का नाम है, एंड आई डोंट नो कि इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और नॉट। आइए बच्चे, देखते हैं इसको। याक, अरुणाचली याक, है ना, उसके मिल्क से इसको बनाया जाता है। बाय द वे, अरुणाचली याक वाज द फर्स्ट वन जिसको एज अ सेपरेट ब्रीड कंसीडर किया गया था,
है ना, किसी रीजन के हिसाब से, राइट। अदरवाइज आप लोग, हम लोग कह देते हैं कि ये लोकल कुत्ते हैं, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, हमें पता ही इनमें बहुत फर्क है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो अरुणाचली याग इज द फर्स्ट एनिमल जिसको ऐसे रिकॉग्नाइज किया गया कि अरुणाचली याग इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट ब्रीड इन इटसेल्फ, राइट। सो इट वॉज द फर्स्ट वन। एनीवे, ये तो ट्रिविया हो गया। आइए बच्चे, अरुणाचली याग है, दैट मीन्स अरुणाचल में ही होता है, और इसकी एक ट्राइब है, जो दो तीन ट्राइब्स हैं जो इसको रेयर करती हैं मोस्टली, वो भी हम लिख लेंगे। इट इज स्लाइटली सार एंड सॉल्टी बट रिच इन प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड एंड हाइपोक्सिया, ठीक है जी। सावर एंड साल्टी है ना, तो अगर किसी के दिमाग में चखना वर्ड आ रहा है तो वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, उसमें गोवन कैश्यूज के बारे में बात हो रही है, ठीक है जी। आइए, आपने काम कीजिए, मेरा से थोड़ा सा मन कर रहा है आपको, मैं अरुणाचल इसके याक के ऊपर कुछ लिख लेते हैं हम, क्योंकि इससे बस इतना ही है कि चुरपी क्या चीज है, अगर पेपर में आएगा कि क्या चीज है चुरपी, बस इतना सही होगा। इट्स अ टाइप ऑफ चीज जो कि याक मिल्क से बनता है, और कौन से याक से, अरुणाचली याक, ठीक है। अरुणाचली याक्स आर द ओनली रजिस्टर्ड याक ब्रीड इन इंडिया, याक हर्डर्स। नेक्स्ट पॉइंट, याक हर्डर्स, ये अरुणाचल की बात हो रही है, मेनली बिलोंग, याक हर्डर्स मेनली बिलोंग टू द मोनपा ट्राइब, टू द मोनपा, MONPA, मोनपा एंड ब्रोपा, BROKPA, ये दो ट्राइब्स हैं। अभी यहां से आपको समझ रहे हैं, दो सवाल निकलेंगे कि वो ट्राइब्स का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये कहां है, पर वो आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं कि ये सिंगल सवाल आ जाए, तो वो कंबाइन करेंगे उसको, क्योंकि अगर मान लो आप अरुणाचल के हो तो आपको पता ही होगा, हो सकता है आप ST कोटा में ही ट्राइब के मेंबर हो, तो आपके लिए इतनी आसान जर्नी नहीं करेंगे, तो वो आपको याक पे भी घुमाएंगे थोड़ा सा, मतलब नॉट लिटरली, पर याक का आपको सवाल आ सकता है उधर, ठीक है जी। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब आप इस तरीके, जब कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जो सेंट्रल लेवल पे आ, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, वो सेंट्रल है, वो पता तो पता, नहीं पता तो नहीं पता सबको। इस टाइप के सवाल रीजनल होते हैं, अब हमें जैसे साउथ इंडिया के सवाल होते हैं, वो हमेशा क्लब किए जाएंगे किसी ना किसी और चीज़ से, ताकि उनके पास एज ना आ जाए, राइट, किसी के पास एज ना रहे। तो ये थोड़ा सा सारे टॉपिक को कलेक्टिवली पढ़ना है अपने। आगे लिखिए, याक मिल्क इज स्वीट एंड रिच इन प्रोटीन कॉमा फैट कॉमा मिनरल्स एंड हैव मोर सॉलिड देन काउ मिल्क। इसके अलावा बच्चे आपने देखा होगा कि दो और चीजों को GI टैग गिवन है ना, खोताई एंड टांगसा टेक्सटाइल, ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं। खोटाई को ये खमती राइस भी कहा जाता है, उसमें लिख लीजिए आप नीचे, हेल्स फ्रॉम दी नामसाय रीजन, हेल्स फ्रॉम दी नामसाय, NAMSAI, नामसाय रीजन एंड कल्टीवेटेड बाय खमती ट्राइबल फार्मर्स,
तो मतलब खामती एक ट्राइब का नाम है। इस पूरी जो भी आप अभी पढ़ रहे हो ना, इसको कलेक्टिवली याद कर लेना अरुणाचल के नाम से, और हो सके तो एक पिक्चर सी बना लेना दिमाग में कि याक पे ये दो ट्राइबल लोग बैठे हैं, इनका नाम के कुछ भी करके ना, जस्ट उसको कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे झोंका ही आएगा याद होने का। आपको ओवरऑल पिक्चर नहीं याद आती कभी भी, तो आपका पर आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, प्री के अंदर इट डज नॉट मैटर आपने कैसे याद करके आंसर वहाँ पे लिखा है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को ज़्यादा याद है तो उसको दो की बजाय चार नंबर दे देगा यूपीएससी। सही आंसर बोला या तुक्के से दिया आपने, आपको दो ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मेथडोलॉजी डेवलप करो याद करने की। नेक्स्ट इज टांगसा टेक्सटाइल। टांगसा अगेन एक ट्राइब का नाम है, क्राफ्टेड बाय टांगसा ट्राइब ऑफ चंगलंग डिस्ट्रिक्ट, CHANGLANG, चंगलंग डिस्ट्रिक्ट। कंफ्यूज नहीं होना, इस टाइप के नाम ना आपको यहां भी देखने को मिलते हैं जब आप ये कोक्सर वगैरह क्रॉस करते हो ना, लद्दाख वाले हाईवे पे जाते हो, तो ऐसे से नाम आपको वहां देखने को भी मिलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये उस जगह पे बात हो रही है। यहां पे कितने बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनके जिनको जीआई टैग के बारे में अभी नहीं लिखा हुआ नोट एक भी बार? रेज ऑफ हैंड्स। जीआई टैग है ना, आप लिखा हुआ जीआई टैग के ऊपर? कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, मेन आ जाओ। तो बाकी लोग फिर पहले मेरे को ये बता दो, एक्ट का कौन सा ईयर था जीआई का? ठीक है, गॉट माय आंसर, लिखिए। कितने साल के लिए वैलिड होता है वो? एक मीम आती है ना, वेल डन वाली, बट आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। जितने मजे से आपने 25 फटाफट बोल दिया, उसके लिए फुल मार्क्स, आंसर में कटेंगे, 10 साल के लिए होता है। आइए, जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट्स और गुड्स। ठीक है, इसका मतलब कि इट कैन बी अप्लाइड टू एग्रीकल्चर और आपका हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल या आपका फूड प्रोडक्ट, कुछ भी होगा, है ना? जैसे वो रसगुल्ला, उसको भी यही टैग मिला हुआ है, हर कोई नहीं रसगुल्ला बना के बेच सकता। किसके पास है रसगुल्ला का टैग? ये थोड़ा सा टेढ़ा पॉइंट लगता है मेरे को जीआई टैग समझाने के लिए कि क्यों आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। हाँ, वेस्ट बंगाल का फेमस है। इंडिया एनेक्टेड, फुलकारी है, इंडिया एनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, या जीआई ऑफ गुड्स लिख लो, जीआई ऑफ गुड्स एक्ट इन 1999 विच केम इनटू फोर्स इन 2003, और उसके बाद में 2003 के बाद में आया ये 7-8 से लेके 2016 तक बहुत सवाल आए इसके ऊपर, आते ही आते थे, राइट? अब ये थोड़ा ठंडा हो रखा है, बट आई फील समहाउ कि ये ना दोबारा से आएंगे पिक्चर में, और ये और आपका जैसे वो साइंटिफिक नेम्स वाला, लास्ट टू लास्ट ईयर एक झोंका तो आया था उसका भी, कि ये फिर से उस ट्रेंड पे जा रहे हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? लंबी गेम है। हाँ, बहुत सारे हैं आपकी, आई थिंक कुल्लू शॉल्स, हाँ हाँ आपकी वो भी है, एक एक, एक टाइप ऑफ वाइन है वो भी, मतलब देयर आर मेनी। लेटेस्ट वाले देखना आप, अगर आप सर्च करोगे ना कि लेटेस्ट किसको मिला है, बाकी वो लोग नहीं पूछते, वो कहाँ अखबार पढ़ते हैं।
मेंस में स्टैंडर्ड सवाल आएंगे, बिल्कुल ही स्टैंडर्ड सवाल, व्हाई व्हाट हाउ। हाँ व्हाई भी मैंने गलत बोल दिया, व्हाट एंड हाउ पे आता है, व्हाट व्हाई व्हाट हाउ स्टेट उनको नहीं चाहिए, जो जो आप यहाँ तैयारी कर रहे हो उनको नहीं चाहिए वो। दैट इज व्हाई वी हैव आईएएस सर्विसेज, ताकि आपके पास में एक होमोजेनिटी हो, ऐसा ना हो कि एक स्टेट बहुत ही क्वालिटी ऑफिसर्स पैदा कर दे, है ना, और वहाँ अगर क्वालिटी ऑफिसर्स आए हैं तो डेफिनेटली वहाँ की ग्रोथ होगी ही होगी, तो कुछ रीजनल डिस्पैरिटी फिर वो वहाँ रह जाएगी। दैट इज व्हाई वी हैव ऑल इंडिया सर्विस। एम्प्लॉई हमेशा वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैलरी प्रमोशंस और आपके ट्रांसफर्स, वो स्टेट गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय। अभी वो हुआ था ना, किस्सा हुआ था बंगाल ममता बनर्जी और वो आपकी सेंटर के बीच में, है ना, जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वो सेंटर ने वापस बुला लिया था। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, तो फिर आपको यूपीएससी से परमिशन लेनी पड़ती है। सर स्टेट का एम्प्लॉय है, सीएम को आंसरेबल है। हाँ दे दिया सेंटर ने, आपको दे दिया कि मैं आपको एम्प्लॉय दे रहा हूँ, एक मैंने इसका टेस्ट ले लिया है, ये बिल्कुल सही बंदा है, आप ये है और हायर पोजीशंस पे इसको लगा दो, काम उससे वही सरकार लेगी। फिर सेंटर उसको कॉल कर सकती है वापस, है ना, अगर जैसे मान लो आपने सेंट्रल मिनिस्ट्री में कहीं लगना है। बाय द वे सारे आईएएस ऑफिसर्स नहीं बनते हैं एसडीएम वगैरह, उसमें भी जिनकी प्रेफरेंस होती है और टॉप लिस्ट में आते हैं उनको एसडीएम की सीट को बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो एक बहुत, इसके अलावा आप डायरेक्टर फिशरीज, है ना, और इसके डायरेक्टर उसके डायरेक्टर इधर उधर जाके अभी होती है, हाँ इस टाइप की पोस्ट पे जाते हैं। मतलब अगर कोई ये ख्वाब सोच के बैठा है कि आईएएस बनना है एसडीएम लगना है तो ठीक है, अगर आपसे आपकी ड्रीम मैंने अभी छीन ली तो आपके पास कुछ ज़्यादा रहेगा नहीं, सोच के देखो, एवरीथिंग एल्स इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट मेड अप ड्रीम, है ना, तो उसको अभी आपके लिए प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाएगी जब उस पर कोई बात आएगी, है ना वो उसके लिए रुक जाते हैं प्रीलिम का रिजल्ट आने तक, वो उसको उसके बाद में डील करेंगे हम, है ना, अभी के लिए तैयारी करते हैं। आइए बच्चे आगे देखो, वैलिड फॉर 10 ईयर्स, जीआई टैग्स वैलिड फॉर 10 ईयर्स एंड कैन बी रिन्यूड। मार्केट वैल्यू वगैरह बढ़ जाती है जीआई टैग से ना, कंपिटिटिवनेस बढ़ती है, सडनली क्वालिटी इंश्योर हो जाती है, अब आपको सोचना नहीं पड़ता बनारसी साड़ी अच्छी होगी या नहीं, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वालिटी इंश्योर होगी जैसे ही उसको टैग मिला। किसी को जाके गिफ्ट करते कुल्लू शॉल्स आई हैं, है ना, तो सबको मान के चलते हैं कि ये अच्छा ही होगा प्रोडक्ट, तो एक क्वालिटी इंश्योरेंस और उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है इससे। लिख लो, इट एनहेंसेस मार्केट वैल्यू, कंपिटिटिवनेस एंड प्रमोट्स लोकल कल्चर इसमें ट्रेडिशन हेरिटेज दोनों आ जाएगा, ठीक है, हालांकि वी कैन राइट इट डाउन कॉमा ट्रेडिशन एंड हेरिटेज अलॉन्ग विथ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनरली इस टाइप का जो काम करते हैं वो सोशल स्टेटा में नीचे होते हैं लोग, राइट, तो उनको एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मौका मिलता है इससे। तो एक लाइन के अंदर मैंने आपको जीआई टैग का सार दे दिया, बाय द वे ये एक लाइन से आप ऐसे लिख सकते हो पूरा, इसमें सब कुछ है, शॉर्ट में है ये, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। इसमें ना एक और इसकी नोडल एजेंसी तो बता दोगे यार, जीआई टैग की
हाँ किसके मिनिस्ट्री सब सही जा रहा है, सही जा रहा है। एक लाइन लिख लो आगे, दिमाग में है तो बोल देना, मैं लिखवा दूंगा। GIs ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, GIs has been identified, has been defined, GIs has been defined under आर्टिकल 22 क्लॉज 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, दिमाग में दौड़ाओ। अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द WTO एग्रीमेंट, कौन सा WTO एग्रीमेंट? ट्रिप्स, ब्रैकेट में लिख लो ट्रिप्स, कैपिटल्स में TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स। मिला पीयूष? नोडल एजेंसी, हाँ जी, कंज्यूमर अफेयर्स नहीं, कंज्यूमर अफेयर्स नहीं, कंज्यूमर्स को थोड़ी मिल रहा है टैग, किसको मिल रहा है? हाँ कॉमर्स, नोडल एजेंसी DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगर बाहर भी हमको GI टैग्स अपने वैलिड करवाने होते हैं तो हम बायलेटरल एग्रीमेंट्स करते हैं उनके साथ में, जैसे इंडिया का जापान के साथ हो रखा है। तो आपका ये नेशनली वैलिड है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये या के बाय द वे जिसका चीज हमने देखा था अभी, ठीक है, जिसने नई रिवीजन शुरू करी टेक इट एज अ साइन। अक्टूबर मंथ आ गया है, ठीक है बच्चे, दिस इज द टाइम जब आपको, और ये कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर 13 है, राइट, इसका मतलब पहले 12 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। हर डॉक्यूमेंट को रिवाइज करने में लगभग 15 मिनट का टाइम लगेगा आपको इनिशियली, राइट, और ये टाइम कम होता जाएगा। पहली रिवीजन 15 मिनट एक डॉक्यूमेंट को, दूसरी रिवीजन 12 मिनट, तीसरी रिवीजन 10 मिनट, है ना, ऐसे से करके ये डिक्रीज होता रहेगा टाइम। और आपको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज तो करना ही करना है एटलीस्ट, ठीक है, अदर देन दी फाइनल 2 रिवीजन्स, ठीक है जी। तो दिस इज द टाइम जब आप लोग डॉक्यूमेंट 1 उठा लो और 1, 2, 3, 4 ऐसे शुरू करो और हफ्ते दर हफ्ते से करते रहो, और ठीक है जी। और यही है आपका अरुणाचली याक, ये उससे थोड़ा हाइट में कम होता है। चलिए बच्चे आगे चले, गोवन कैश्यूज आ जाओ, इसको भी GI टैग मिला है। अगेन जो हमने GI टैग के फायदे पीछे वाले में लिखे है ना, वही फायदे इसके भी रहेंगे कि अब गोवन कैश्यूज का जो नाम चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, कि काजू कहाँ के हैं, गोवा के हैं, ठीक है। तो GI टैग का ये फायदा होता है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमारी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, राइट, तो ये मतलब है उसका। अच्छा टेप पड़ी है आपके पास, ठीक, वो तो आपका दर्द होगा, हाँ जी स्टेपलर नहीं, टेप सही रहेगी। आइए गोवन कैश्यू इंडस्ट्री इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश्यू ये यहां पे कोई नेचुरल प्लांट नहीं था, अगेन लाइक अनियंस, इसको भी पोर्चुगल जो है वो लेके आया था, राइट, आज जो आपको हर मील के साथ प्याज चाहिए कटा हुआ, है ना, वो इंडिया की फसल ही नहीं है, है ना। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि आपका ना कभी भी आप कल्चर अपना इतना ज्यादा हेटरोजेनस रख ही नहीं सकते। वेर एवर देर इज कनेक्शन बिटवीन सिविलाइजेशंस, वहां पे आइडियाज, ट्रेड, ये सब चीजें एक्सचेंज होंगी ही होंगी, और इसका बहुत क्लियर कट आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कुशांस क्या लेके आए थे? पगड़ी, पगड़ी का यहाँ पे रिवाज नहीं था, है ना, उसके बाद में वो कुशांस वहाँ से आया, इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस है और हमने उसको अपना रखा है। हमारे कपड़े
है ना, लॉन्ग कोट्स है ना गर्ल्स, लॉन्ग कोट्स ये भी वही लोग लेके आए थे, राइट। तो इस हिसाब से हमारा जो इन्फ्लुएंस रहता है बाकी कल्चर का हमारे ऊपर रहता है, एक ये है, राइट। आइए बच्चे देखते हैं, इंट्रोड्यूस टू गोवा इन 16th सेंचुरी बाय पोर्चुगीज कॉलोनाइजर्स, ये आपका एक सवाल बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मिड 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी कौन सी हुई, लगभग 17. हाँ 1750s के अराउंड, राइट। तो उसके बाद में पता लगे खाया भी जा सकता है, पहले नहीं पता था, इसका कमर्शियल यूज नहीं था, अब आपको पता लग गया कि ओह यार ये कुछ कुछ मशरूम्स हैं ये खाए जा सकते हैं, उसके बाद में अपने खेती शुरू कर दी और आम बेचना शुरू कर दिया। हाँ पहले इतना वो खास नहीं था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे ना, अब उनकी मंथ्स एंड मंथ्स की शिप जर्नी होती थी, उससे पहले कॉन्टिनेंट्स हैं सारे और सबके एक नेचुरल बैरियर है, राइट। आपका अगर सीड गलती से पानी में गिर गया तो वो बह के इतने दूसरे कॉन्टिनेंट में नहीं जाता था, हमारे जायर्स हैं बीच में, हमारे वाटर करंट्स हैं, वो आपका वहाँ नहीं पहुँचेगा। लेकिन जो आपकी शिप्स हैं वो एक स्पॉट से शुरू होती हैं और दूसरे स्पॉट पर चली जाती हैं, हैंस इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ योर रैट्स, प्लेग वहाँ से उठाया पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, राइट। पहले नहीं होता था ये, जैसे ही आपका इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हुआ शिप्स के थ्रू, राइट, कि उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम से पहले आप वहाँ पर पहुँच गए, राइट। आइए बच्चे, तो ये भी कुछ वैसे सही पॉइंट है इसका। इसका थर्ड पॉइंट देखिए बच्चे, इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ विटनेस की गई थी। द फर्स्ट कैश्यू फैक्ट्री इन गोवा बिगेन ऑपरेशंस इन 1926, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कैश्यू कर्नल्स वाज एक्सपोर्टेड इन 1930, ठीक है जी। तो आपने कॉटन बूम के बारे में तो सुना होगा, इंडिगो के बारे में भी सुना होगा, है ना। तो एक नई चीज हाईलाइट हुई है गोवन कैश्यूज को जीआई टैग मिलने से, तो इस बार जो आपका सवाल देखने को मिलेगा वो कैश्यू बूम के ऊपर होगा, कि कौन से ईयर में हुआ था, क्यों हुआ था, राइट, कौन लेके आए थे, तो इसका एक कंबाइंड सा सवाल आपको देखने को मिल सकता है इस साल। फॉरेन ट्रेड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय 1961 द कैश्यू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अकाउंटेड फॉर अबाउट 60% ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन गोवा, आधे से ज्यादा, ठीक है बच्चे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और कहां कहां एक्सपोर्ट हुए थे, अमेरिका, जापान, सऊदी अरेबिया एंड वेस्ट जर्मनी। जस्ट आप लोगों के लिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग को प्रॉपरली वर्क करने के लिए इलीगल मार्केट्स को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये हमने असम टी के नाम से सुना था कि असम टी असम के अलावा और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता इंडिया में, लेकिन नेपाल भर भर के बेच रहा है लो क्वालिटी टी जिसको असम टी का नाम देके बेचा जा रहा है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, असम टी की बहुत वैल्यू है, लेकिन जो नेपाली असम टी है उसको थोड़ा सा हायर वैल्यू, भी उनका तो फायदा है हमारा नुकसान है, राइट। तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, वैसे ये थोड़ा सा आपको क्रिटिसिज्म में ना हेल्प करेगा या वे फॉरवर्ड में हेल्प करेगा, जीआई टैग का एक ही वे फॉरवर्ड है। मुस्कान बच्चे ये वाला डॉक्यूमेंट आप अलग ही रखो, इसको अगर आप अटैच करने आओगे आपके नॉर्मल रजिस्टर्स के अंदर तो आपको बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ेगी, ये डबल साइडेड प्रिंटेड है अगर आपने देखा हो तो, इसको आप चिपका नहीं सकते हो। क्या पॉइंट बोल रहा था मैं अभी, मार्केट रिस्ट्रिक्शंस वाला है ना। यही बोल रहा था, ठीक है, बुरा मान गया तुम। अच्छा, GI tags can be functional to its full potential only if illegal market practices, only if illegal market practices are restricted. बाय द वे 2018 के बाद में ना जो हम इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स भेजते हैं जिनको इंडिया में जीआई टैग मिला है उसके ऊपर एक अलग से लोगो लग के जाता है जिसके अंदर एक व्हील होता है और ट्राई कलर होता है और एक लाइन लिखी होती है,
है ना, ताकि उन लोगों को पता लगे कि ये इंडिया से आया, एक एक ब्रांड वैल्यू बनती है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये लिखा होता है उसके ऊपर, जो इंटरनेशनल लोगो जाता है ना, 2018 में लॉन्च हुआ था, लिखना लिख लो। हाँ, उसका बच्चे इसको फिर आप इसी को रिवाइज़ करना, क्योंकि इसमें लगभग 10-12 टॉपिक्स आते हैं, आप इसी को आपने रिवाइज़ करना है, जो भी एडिशन करनी है इसके अंदर ही करनी है। हाउएवर कुछ जो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपको लगता है रेलिवेंट है, ये सबके लिए वैलिड है वैसे, इसमें अगर कुछ ऐसा डेटा पॉइंट आता है जो आपको लगता है स्टैटिक में रेलिवेंट है और अगले साल नहीं बदलेगा, राइट, तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये 2 साल बाद ये डॉक्यूमेंट रिडंडेंट हो जाएगा, 2 साल बाद ये डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं रहेगा, है ना, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि क्योंकि करंट अफेयर का डॉक्यूमेंट है ये, है ना, ये तो वही बात होगी 2025 में आप 2023 के अखबार पढ़ रहे हो, वो सिर्फ अलमारी में बिछाने के काम आते हैं। आइए बच्चे, लाइन हो ही नहीं पूरी, इनवैल्यूएबल ये है, इन 2018 अ लोगो फॉर GI टैग्स GI products was created for international use. ठीक है, इंडिया में नहीं है ये टैग, ये बाहरी जो प्रोडक्ट जाते हैं ना उनमें होता है। इसका ऐसे दो पॉइंट्स में, द लोगो फीचर्स ट्राइकलर फ्लाइंग व्हील विद GI रिटन ऑन इट। आपको मैं पिक्चर दिखाई दे तो थोड़ा क्लियर हो जाता, देख लेना इसको बाद में एक बार, है ना। और दूसरा है टैगलाइन, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। इनवैल्यूएबल का मतलब यह नहीं है जिसका कोई मूल्य नहीं है, इनवैल्यूएबल का मतलब होता है जो अनमोल है, जिनका मूल्य लगाया नहीं जा सकता। ठीक है जी, अब आप लोगों ने डिसाइड करना है आप कौन से वाले इनवैल्यूएबल हो। आइए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक, एक कर्नाटका की ट्राइब है, बाय द वे ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्राइब है, बिकॉज ये कर्नाटका के हिंटरलैंड्स में रहती है, बट इनकी भाषा कन्नड़ नहीं है, है ना, ये आपको सिमिलर टू हिंदी गुजराती भाषा में बात करते हैं, बिकॉज दे माइग्रेटेड फ्रॉम द राजस्थान गुजरात बॉर्डर टू कर्नाटका, राइट, तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग ट्राइब है। और हक्की पिक्की, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है, कन्नड़ा के अंदर हक्की का मतलब बर्ड, पिक्की का मतलब कैच करना, बर्ड कैचर्स लिखा होगा शायद इसमें बच्चे। हाँ, फर्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर सेमी नोमैडिक ट्राइब, ट्रेडिशनली बर्ड कैचर्स, वो लिटरली मतलब है उसका हक्की पिक्की। तो आपको सवाल ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर कॉल्ड बर्ड कैचर्स, राइट, पर फिर भी उनको कन्नड़ स्पीकिंग लोगों को थोड़ा फायदा मिल सकता है, तो अगेन इसको कंबाइन किया जाएगा, सवाल को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो इनको जो ये कल्टीवेट कर रहे हैं पिछले 100 सालों जिस लैंड को, वहां पे टाइटल डीड्स दे दिए। टाइटल डीड्स का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, अ डॉक्यूमेंट जो कि आपकी ओनरशिप को एक्नॉलेज करता है, राइट, आपका घर आपका है, वो कैसे पता आपको, है ना, इज बिकॉज दैट टाइटल डीड, कि ये डॉक्यूमेंट, ये जो ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि ये घर किसका है, तो वैसे ही ये लैंड डीड है एक। ठीक है, मेन रेजिडेंस इनकी बताई हुई है BNP, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, एक बार इसके बारे में भी पढ़ना है आप लोगों ने कि इसमें मेन एनिमल कौन सा है ना, और किस टाइप का फॉरेस्ट है, ये सब कवर कर देना इसमें, मेन स्पीशीज वगैरह। इसके अलावा बच्चे
फिफ्थ पॉइंट देखिए आप, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. दे आर डिवाइडेड इंटू फोर क्लैंस कॉल्ड गुजरातिया एज आई टोल्ड यू, पनवर, कलीवलास एंड मेवाड़ाज. बच्चे यहीं पे आप एरो डाल के लिख लो आप. दे आर बिलीव टू हेल ओरिजिनली फ्रॉम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. और क्यों पता है क्यों क्यों बिलीव करते थे? क्योंकि ये लोग घाघरा पहनते हैं और वो उस एरिया में चलता था. दैट्स हाउ दे कनेक्टेड डॉट्स की, अरे वहां से हेल करते हैं मेनली. सेकेंड पॉइंट इसी में लिख लो, ये ट्राइब के बारे में थोड़ा सा और लिख लेते हैं. डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय द्रविडियन लैंग्वेजेस, अरे सिर्फ कर्नाटका में नहीं है ये ऑल ओवर साउथ इंडिया में ये ट्राइब आपको देखने को मिलती है हक्की पिक्की. डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय द्रविडियन लैंग्वेजेस द कम्युनिटी स्पीक्स एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, जिसको स्कॉलर्स वागरी के नाम से जानते हैं. ब्रैकेट में लिख लो, कम्युनिटी स्पीक्स एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, ब्रैकेट में वागरी, वी डबल ए जी आर आई, वागरी. बाय द वे यूनेस्को की एक लिस्ट आती है एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की, उसमें वागरी मेंशन्ड है. एरो डाल के लिख लो, वन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू यूनेस्को. और एज मोस्ट ऑफ द ट्राइब सोसाइटीज मैट्रियार्कल. अगला एरो डाल के नेक्स्ट इज Society is matriarchal. दहेज प्रथा है यहां पे, दूल्हे की फैमिली देती है दुल्हन को. हाँ, ब्रैकेट में लिख लो कॉमा, वेयर द ग्रूम गिव्स डाउरी टू द ब्राइड्स फैमिली. कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसमें ना, जो एल्डेस्ट सन होता है बाय द वे, उनको बाल काटने की मनाही होती है ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके कौन सा घर में एल्डेस्ट सन है. राइट, सो कुछ कुछ पेक्यूलियर थिंग्स हैं बाय द वे. अगर आप सारी ट्राइब्स को ऐसे पढ़ोगे ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, खासकर ये हिमाचल वाली, बिकॉज इट इज सो क्लोज टू यू एंड आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है. तो तुमसे पूछेगा भी नहीं कोई, जो उसके सामने आएगा एग्जामिनर के. बट इंटरेस्टिंग है, अगर कभी ऐसे मौका मिले इस तरीके से पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हो, इंटरेस्टिंग रहेगा. और इसका मैं एक और चीज सोच रहा था, इसका ना कंबाइंड सा क्वेश्चन बन सकता है कि वो ना ट्राइब के ट्रेट्स दे सकते हैं, कि जैसे वो कॉटन के केस में क्वेश्चन आया था ना कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको क्लियर स्काइज चाहिए रात को, फ्रॉस्ट फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, है ना, ये सॉइल चाहिए. तो चार ऑप्शन दे दिए, उसमें से सॉइल के लिए तीन ऑप्शन वैलिड हो रहे थे, लेकिन जैसे क्लियर स्काइज बोला ना, फ्रॉस्ट फ्री एनवायरनमेंट बोला, तो उसमें समझ में आ रहा है. तो सेम चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि ऐसी कौन सी ट्राइब है जो बर्ड कैचर के नाम से जानी जाती है, जो बर्ड कैच करती है, इसके अलावा जो गुजरात से मानी जाती है, द्रविडियन एरिया में है लेकिन द्रविडियन लैंग्वेज नहीं है. तो इस टाइप का कोई कंबाइंड सा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर. राइट, तो ये उस एंगल से इंपॉर्टेंट है. हालांकि न्यूज़ इसमें तो ये टाइटल डीड के लिए आई थी कि उनको टाइटल डीड दे दिए, हम राइट्स एक्सटेंड कर रहे हैं अब गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से. ये टॉपिक है ये कि वी आर एक्सटेंडिंग द राइट्स टू द ट्राइबल पीपल. प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना घुमाएगा आपको कि ट्रेट्स दे देगा कि ये ट्रेट्स हैं, ट्राइब आइडेंटिफाई कर लो.
ठीक है बच्चे, चले आगे। एक इसमें और इंपॉर्टेंट है, दे इट इज बिलीव दैट देयर एंसेस्ट्रल रिलेशन इज विथ राणा प्रताप सिंह, है ना, ये भी आपको एक हिंट होगा इस ट्राइब की तरफ आने का। स्वेरिगेज रिक्सबैंक प्राइस, इसको हम नोबल प्राइज भी बोलते हैं, इकोनॉमिक साइंसेस के नोबल प्राइजेस का एक्चुअल नाम ये है। तो आपको अगर पेपर में आएगा तो मेरे को जहाँ तक लगता है अगर नोबल प्राइज पे सवाल पूछेगा यूपीएससी एचसीएस वाले या कोई भी, तो वो इकोनॉमिक्स का नाम नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स नहीं मेंशन करेंगे, वो ये वर्ड मेंशन करेंगे, दिस इज नथिंग बट सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, उसका एक्चुअल नाम यही है, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, तो ये टॉपिक का एक ये भी काम है। ये नोबल प्राइजेस का सिस्टम कुछ ऐसा होता है, ये अनाउंस पहले हो जाते हैं, ये दिए बाद में जाते हैं, है ना, सेरेमनी बाद में हेल्ड करते हैं, पर सेरेमनी की थोड़ी वेट करेंगे, अब आ गया तो इसको खत्म करते हैं, है ना। चलिए बच्चे, क्लॉडिया गोल्डन, है ना, इनको ये अवार्ड मिला है, एंड फीमेल, एक फीमेल रिसिपियंट जब भी किसी अवार्ड की होती है हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम थोड़ी सी और हिस्ट्री देख लें कि और कौन कौन सी फीमेल है। अगर आप देखेंगे इसमें From 1969 to 2022, only two women, ये दोनों नाम आप याद रख लेना, have been recognized with the Nobel Prize in Economic Sciences, and Claudia is the third, right? Claudia ma'am का जो काम था वो मैंने इसके अंदर mention कर दिया है। आपके level पे बच्चे काम ये रहेगा कि जो बचे हुए हैं ना, जो दो नाम है, इन्होंने मेजरली क्या थ्योरी दी थी उसके बारे में जरूर पढ़ लेना। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई हैव गिवन यू कि 2022 में इकोनॉमिक्स में किसको प्राइज मिला था। अगर आप लोगों की वो थोड़ी सी चुलमची होगी अंदर की, एसएससी वगैरह भी देना है, सारे भर ही देते हैं, 100 रुपए का तो है, राइट, तो वो ध्यान से देख लेना वहां पे कि 2023 का पूछ रहे हैं 2022 का पूछ रहे हैं, राइट, हाँ थोड़ा ध्यान रखना है उसमें। अच्छा, इसके अंदर ना कुछ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो चीज हाईलाइट करी थी, बेसिकली इन्होंने सेकेंडरी डेटा का यूज करके ना विमेन की कंडीशन और विमेन की एम्प्लॉयमेंट को हाईलाइट किया, एक लिंक करके एक चीज बताई गई है इसके अंदर, राइट, और उसके अंदर इन्होंने मैरिज को एज अ बार बताया गया है, एक एक रुकावट बताई गई है विमेन की ग्रोथ के अंदर, राइट, फॉर ऑब्वियस reasons, और कुछ कुछ और चीजें भी हाईलाइट करी थी कि इसमें लिखा हुआ है क्या कि 1960s के अंदर इसमें लिखा नहीं हुआ, when I was reading it, तो 1960s के अंदर easy contraceptives जब सामने आए उसके बाद में women की condition better होनी शुरू हुई, because now they can plan the child bearing, right? उससे पहले child bearing plan नहीं कर सकते थे आप, right? That's why हायरिंग में भी प्रॉब्लम आती थी, जॉब ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आती थी, सस्टेनेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आती थी। सो एक डेटा है इनका, आप पहले एक बारी अबाउट क्लॉडिया गोल्डन में देखिए। सेकेंड जो पॉइंट है, क्लॉडिया गोल्डन प्रोवाइडेड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ वुमेन्स अर्निंग्स एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन थ्रू द सेंचुरीज। पढ़ो इसको दोबारा, वुमेन्स अर्निंग्स एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, और लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन आपके कुछ कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी कि आप लेबर मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपके स्किल्स की वजह से, एक्सेस की वजह से, एंड मैनी मैनी थिंग्स। यहीं पे एरो डाल के लिख लीजिए बच्चे, आप यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, आपका थोड़ा सोसाइटी वाला काम ईजी हो जाएगा।
उन्हीं के वर्क से उठाई ये बात, ये बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी कौन सी हुई, हाँ 1900s, ठीक है, बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी अराउंड 20% ऑफ वुमेन वर गेनफुली एम्प्लॉयड कॉमा द शेयर ऑफ मैरिड वुमेन वॉज ओनली 5%। डिस्पैरिटी दिख रही है क्लियरली, आजकल दिखती है, हाँ, हेंस द नोबेल प्राइज। पहले तो इसको मैरिज बाहर से एक लेजिस्लेशन लॉ ही होता था कि जो मैरिड वीमेन है उनको इन पोजीशंस पे नहीं रखना, इंपॉर्टेंट है कि कभी भी छुट्टी पे चले जाएंगे, है ना, आपको पता नहीं है मैरिड है, कभी भी प्रेगनेंसी, कभी भी कुछ भी, राइट। सो लेजिस्लेशन में ही आया था, तो इनहेरिटेड डिस्पैरिटी, राइट। लिख लीजिए आप, ड्यू टू मैरिज बार्स को इन्वर्टेड कॉमर्स में ये टर्म इन्होंने दिया गया है, इन्होंने बनाया है, ड्यू टू मैरिज बार्स कॉमा डिस्पाइट द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ लेबर समझना इस पॉइंट को बच्चे, कॉमा मैरिड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लेबर मार्केट। सेकेंड पॉइंट, आफ्टर 1960s द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन provided women with greater control over childbirth comma hence improving the labor market। तो अभी फुल स्टॉप, अभी हमारे को एम्प्लॉयमेंट के अंदर जेंडर गैप देखने को नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट मिलने में प्रॉब्लम नहीं है। अब डिबेट क्या चल रही है, पे गैप, परफेक्ट। अब डिबेट चल रही है जेंडर पे गैप, राइट। तो इस वजह से ये नोबेल प्राइज आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो आपको मेंस के अंदर सवाल आएगा ना, वो इस तरफ को आएगा, मेंस का क्वेश्चन इसी पे कर लें आज। द जेंडर लिखिए, हाँ जी, द जेंडर लेबर गैप ओवर द ईयर्स, क्या लिखा हमने, जेंडर लेबर गैप ओवर द ईयर्स इज बीइंग रिप्लेस्ड
बाय द जेंडर पे गैप. देखो दो ऑप्शन है इसके बाद कि या तो हम इसको एलुसिडेट कर सकते हैं या फिर आपसे सजेशंस मांगे जा सकते हैं. क्या करना है? तो प्ले करो फिर मेरे माइंड के साथ भी. पिछले वाला एलुसिडेट था. हाईलाइट द इशू. And suggest a roadmap. Roadmap suggest करना तो आपको मोटी मोटी चीजें पकड़नी होती है. And suggest a roadmap to tackle the issue. ठीक है. Roadmap जब बताना होता है आपको ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूंगा लुधियाने कैसे जाना है तो आप बोलोगे खरड़ वाला हाईवे पकड़ना है फिर वहां से लुधियाने वाली रोड पे और सीधा जाते रहना है. दिस इज द रोड मैप. समझ रहे हो? अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना पर रोड मैप कंप्लीट होना चाहिए. मैं लुधियाना पहुंचना चाहिए. ठीक है जी. ऐसी फगवाड़ा साइड मत भेज देना मेरे को. अपने आंसर्स में दिखना दिखा देना मेरे को. लुधियाना ले जाना प्लीज. ठीक है जी. आइए बच्चे आगे चले. इस साल के जितने भी प्राइसेस हैं वो मैंने आपको यहां पे बना के दे दिए है ना. इसमें टेबल है एक किसको मिला है और किस चीज के लिए मिला है इन्हीं के ऊपर सवाल आते हैं है ना. और ये एक पर्टिकुलर टेबल से लगभग 4 या 5 सवाल बन सकते हैं जो कि मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट के अंदर हो सकते हैं. ठीक है. एक बारी नजर मार लेना और देख लेना इसको. इसके अंदर से जो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं जो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन है ना अवॉर्डेड फॉर mRNA वैक्सीन्स राइट. ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और वो बायो डिलीवरी और ये सब टॉपिक्स एक्टिवेट हो रखे हैं इस बार राइट. और ये अगले 2-3 साल तक रहेंगे तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो केमिस्ट्री वाला पॉइंट है डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स राइट. ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है. कुछ कुछ टर्म्स पूछी जा सकती है वहां पे और आपको डायरेक्टली आंसर करना होगा. एंड इफ यू सी द नेक्स्ट पेज यहां पे भी आपकी जिंदगी को थोड़ा आसान करने की कोशिश की गई है कि कौन सा प्राइस कौन सी एग्जैक्टली कौन सी एकेडमी देती है. बाय द वे जो प्राइस इन इकोनॉमिक्स है ना ये आपका शुरू से नहीं था. ये जब आपके जो सेंट्रल बैंक है उसके 300th एनिवर्सरी पे ये शुरू किया गया था. If you want to write it down, आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में. स्वेरिगेस रिक्सबैंक्स प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस. ये ऐसे लिखिए स्वेरिगेस रिक्सबैंक्स इज द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन. कॉमा Which is the world's oldest surviving central bank? And fourth oldest bank in operation. ये जो हिमाचल का पेपर जिसने नहीं देना वो सेकेंड लाइन छोड़ सकता है. And fourth oldest bank in operation. The award was established at the 300th anniversary of the bank in 1968.
एक दो पॉइंट्स और लिख लीजिए. अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ एल्फ्रेड नोबल, ये एल्फ्रेड नोबल की मेमोरी के अंदर रखा गया ये पर्टिकुलर वाला. बाकी जितने भी अवार्ड्स हैं वो सारे एल्फ्रेड नोबल की विल के अंदर मेंशनड थे. ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी है इकोनॉमिक, उसमें इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर. क्या लिखा है यार हमने, अकॉर्डिंग टू विल ऑफ एल्फ्रेड नोबल द फॉलोइंग फाइव कैटेगरीज वर लेड डाउन. ये जो आपके टॉप फाइव है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी स्लैश मेडिसिन मतलब लिटरेचर एंड पीस. एक और पॉइंट लिख लीजिए, फर्स्ट प्राइजेस वर गिवन इन 1901 एंड एनुअली सिंस देन. दो बार ब्रेक्स आई हैं इसमें नोबेल प्राइज देने में. कब कब? वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू. द प्राइजेस वर अवॉर्डेड सिंस 1901. द प्राइजेस आर अवॉर्डेड सिंस 1901 विद टू ब्रेक्स ड्यूरिंग टू वर्ल्ड वॉर्स. ठीक है, हिमाचल वालों, द नोबल डे 10 दिसंबर, ये डेथ एनिवर्सरी है उनकी. तो ये भी पूछ सकते हैं हिमाचल वाले, उनको कोई पता नहीं है कि 10th एनिवर्सरी नोन एज द नोबल डे ये क्या है. ये बर्थ एनिवर्सरी है, पहला नोबल प्राइज मिला था, डेथ एनिवर्सरी है, ये क्या है. या फिर नोबल डे पूछ सकते हैं और पूछेंगे किस दिन होता है, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, चार ऑप्शन. सही बताओ और एसडीएम बन जाओ. क्या किया था अल्फ्रेड नोबल ने? डायनामाइट. ठीक है जी, और इसके अलावा 355 और पेटेंट्स. एक और इसमें खास बात होती है बच्चे नोबल प्राइज में, कि ये जो काम है ना ये आपको पिछले साल में ही करने होते हैं. जो बिल्कुल प्रीसीडिंग ईयर के अंदर जिनको होता है उन्हीं को मिलता है अवार्ड इसका. इमीडिएटली रिकॉग्नाइज होते हो आप कि इस साल में क्या किया, अगले साल नोबेल प्राइज. राइट, ये थोड़ा सा कैच है इसके अंदर. बाकी जितने भी अवार्ड्स हैं थोड़ा ब्रॉडर रख के चलते हैं. ये देख लेना बच्चे, इसको पढ़ना जरूरी है आपके लिए, हु सेलेक्ट्स नोबेल प्राइज, ये वाला है ना. कौन सी एकेडमी किस चीज के लिए करती है, रट्टा ही मारना है. आइए बच्चे, इंडो म्यांमार स्मार्ट फेंसिंग. यहाँ पे फेंस नहीं लगी हुई बाय द वे, है ना. और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन कौन सी स्टेट्स का कितना कितना बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है. ठीक है, इंडियन स्टेट के नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है ये, इसकी आप लिस्ट बना लो साथ साथ. बाय द वे, इस पूरे एरिया के अंदर अभी मणिपुर में क्योंकि वायलेंस आपको पता है, राइट, तो सरकार का एक रिएक्शन इसके ऊपर यह है कि यहाँ पे ना स्मार्ट फेंसिंग लगाना चाह रहे हैं वो, बिकॉज 2018 के अराउंड एक एक्ट इट्स ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने ना बॉर्डर पास शुरू किए हैं यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर पोरस है. 16 किलोमीटर ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर जितने लोग यहाँ रेजिडेंट हैं उनके पास एक बॉर्डर पास है, राइट, एंड दे कैन मूव फ्रीली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ दैट बॉर्डर पास, राइट. तो अब ये उसको स्मार्ट फेंसिंग के थ्रू कवर करना चाह रहे हैं कि इसको हम और ज़्यादा सही तरीके से सर्वेलेंस करें, रिस्ट्रिक्ट करें मूवमेंट, क्योंकि ये जो वायलेंस हो रही है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये इन ट्राइब्स के आने जाने की वजह से हो रही है ज़्यादा, राइट. तो स्मार्ट फेंसिंग का ये है. स्मार्ट फेंसिंग क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको, राइट, एंड यहाँ पे है FMR, लिख लीजिए इसको बच्चे. FMR इज कॉल्ड फ्री मूवमेंट रजीम.
मेंशन है कहीं पे, एक बारी पढ़ना फटाफट। नहीं है। एफएमआर के ऊपर एरो डाल के लिख लीजिए, फ्री मूवमेंट रिजीम अंडर एफएमआर एवरी मेंबर ऑफ द हिल ट्राइब्स ब्रैकेट में लिख लो आइदर इंडियन और म्यांमार सिटीजन, चाहे वो इंडिया का सिटीजन है चाहे वो म्यांमार का सिटीजन है, एवरी मेंबर ऑफ द हिल ट्राइब्स हु इज रेजिडेंट ऑफ एनी एरिया बिटवीन 16 किलोमीटर्स, रेजिडेंट ऑफ एनी एरिया बिटवीन 16 किलोमीटर्स ये दोनों तरफ ऑन आइदर साइड कैन क्रॉस द बॉर्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ बॉर्डर पास, जिसकी वैलिडिटी एक साल की होती है बाय द वे, कोई पूछेगा नहीं आपसे पर पता होना चाहिए आपको, साल बाद रिन्यू कराना होता है, परमानेंट नहीं है। तो एक मुद्दा ये भी है कि वहां से वो हिल ट्राइब्स हैं तो वो इधर उधर जाके फॉरेस्ट कटिंग करते हैं और वो झूम कल्टीवेशन, और उसके बाद में वो एरिया कवर हो जाता है एग्रीकल्चर लैंड में, एंड थोड़े टाइम बाद आप, क्योंकि आप तो दे ही रहे हो लैंड डीड टाइटल डीड्स, अभी हमने देखा है हकी पिकी राइट, और उससे पहले और भी ट्राइब्स का हमने देखा है, तो ये आपको नुकसान होगा आगे चल के कि अगर वो ट्राइब्स इधर आ रही हैं और एग्रीकल्चर आपका लैंड दे रही है तो आपको टाइटल डीड्स देनी पड़ जाएंगी उनको एक समय के बाद में, प्लस इतनी फ्री मूवमेंट है तो इस चैनल का तो फायदा उठाना पड़ेगा अगर आप ड्रग डीलर हो या गन्स डीलर हो, ऐसे कैसे जाने दोगे। तो दैट्स व्हाई वी नीड स्मार्ट फेंसिंग देयर। स्मार्ट फेंसिंग कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है, बट ओवरऑल मेनी टेक्नोलॉजीज को मिला के जब आप करते हो, सर्वेलेंस कैमराज, बायोमेट्रिक एग्जिट एंट्री, AI का यूज, एवरीथिंग, उसको स्मार्ट फेंसिंग बोल दिया जहां पे जो रिक्वायरमेंट होगी राइट। बच्चे इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है आपका कि किसके साथ कितना बॉर्डर लगता है, बना लिया आपने ये क्रोनोलॉजिकली, क्रोनोलॉजिकली नहीं, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर राइट। इसमें लिख लीजिए आप FMR वॉज इंप्लीमेंटेड इन 2018 एज पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें बच्चे, ये आपको प्री में काम आएगा, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, मणिपुर इज अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ, ये सरकार की स्टेटमेंट है, मणिपुर इज अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ मैती MEITEI नागा NAGA कुकी KUKI ZOMI ZOMI एंड हमार HMAR इंसर्जेंट ग्रुप्स। और ये क्यों ये हो रहा है, ये सेम वही की लोकल लोगों से बात नहीं की गई पार्टीशन के दौरान, 1826 ने ये बॉर्डर ब्रिटिशर्स ने अलग कर दिया था, अगेन नॉट कंसिडरिंग द लोकल पॉपुलेशन, सेम ड्रामा जो वर्ल्ड में हर जगह हो रहा है, इसराइल पैलेस्टीन इजिप्ट का ड्रामा हो, कोई भी हो, इंडिया पाकिस्तान, ये जो बंटवारा हुआ था ये कंसिडरेशन सब चीजों को लाके नहीं हुआ था। नेक्स्ट इज आपका ये ऑपरेशन अजय, जो अभी हम हाँ इसराइल के साथ में ला रहे हैं, साथ साथ में आपके सारे ऑपरेशन एक्टिवेट हो जाते हैं बच्चे। लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ, ऑपरेशन कावेरी 2023 में हुआ था, इससे पहले सूडान, रेस्क्यू इन सूडान, यूक्रेन में कौन सा हुआ था,
एक रिवर पड़ी भी है, बहुत मेजर रिवर है जहाँ पे तुम सबकी गंगा, हाँ, ऑपरेशन गंगा 2022, रशिया यूक्रेन 2021 में अफगानिस्तान से लेके आए थे, ऑपरेशन देवी शक्ति 2021, रेस्क्यू इन अफगानिस्तान, ऑपरेशन वंदे भारत 2021, ये कोविड के टाइम में इंडियंस को वापस लेके आए थे, ऑपरेशन वंदे भारत 2021। और वंदे भारत में तो फ्लाइट से आए थे, सेम ऑपरेशन जो हम शिप से लेके आए थे, दैट वाज क्या नाम था उसका यार, समुद्र सेतु, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2021, नेवल रेस्क्यू ड्यूरिंग पेंडेमिक, और ऑपरेशन राहत RAAHT, ऑपरेशन राहत, यमन कॉन्फ्लिक्ट, इवैक्यूएशन ड्यूरिंग यमन कॉन्फ्लिक्ट, पर वो डाल सकते हैं उसके अंदर 2015, पोर्ट ऑफ एडन से लेके आए थे वो, और लगभग 6000 के करीब इंडियंस यमन में फंसे हुए थे उस समय। इसके अलावा ऑपरेशन मैत्री MAITRI, ऑपरेशन मैत्री, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान नहीं, नेपाल, नेपाल में क्या हुआ था, अर्थक्वेक, ये जॉइंट रिलीफ ऑपरेशन था, दो और हैं बच्चे वो भी लिख लेते हैं, ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2011, ये आपका लीबिया, अरब स्प्रिंग, हाँ यार, एक बार कंफर्म करेगा, 200% है, ऑपरेशन सेफ होमकमिंग 2011, लिबियन वॉर, ऑपरेशन सुकून, ये आपका इज़राइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपका हाईलाइट होगा बच्चे 2006, ऑपरेशन, इसको बेरूट सी लिफ्ट भी कहा जाता है, इसमें नेपाली श्रीलंकन सबको हमने रेस्क्यू किया था वहां से, एंड लास्ट वन इज कुवैत एयरलिफ्ट 1990। बुद्धा का कोट है अगर किसी को शायद समझ में नहीं आ रहा है, फोटो किसकी है, ऑलराइट बच्चे, जिन जिन बच्चों को आंसर्स नहीं मिले अभी, राइट, आप लोग ना अभी एक घंटा मेरे पास है वहां पे, राइट, ऑन स्पॉट आंसर चेक करते हैं, जिन लोगों की क्लास है वो लगा लो, राइट, आप ऑन स्पॉट अभी जो आंसर्स आपके बचे हुए हैं जिन जिन के भी, प्लीज कैबिन में उधर आ जाइए, ऑलराइट, थैंक यू सो मच ऑनलाइन बच्चे, आप लोगों के भी आंसर्स भेज चुका हूं मैं, एक दो जो कल जिसने भेजे हैं, कल वाले आपको मैं थोड़ा रुक के भेजूंगा, थैंक यू सो मच, ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं, दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर
उसको वीकली पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट यू गेट वीकली टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट। दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।